यहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ उमड़ी हुई है श्रद्धालुओं की, दूर दूर से, देश विदेश से, पूरे भारतवर्ष से इतने श्रद्धालु फाइनली पहुंच चुके हैं मंदिर के पास। ये देखो, जय भोले जय भोले जय भोले, ओम नमः शिवाय। तो यहाँ से लाइन, पता नहीं यार कहाँ से लाइनें लगी हुई है। देखो, मैं चाहता हूँ केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड राज्य की रुद्रप्रयाग जिले में स्थित रुद्र एक दुनिया के 275 सबसे पावरफुल या प्रभावशाली शिव मंदिरों में माना जाता है। हेलो, सो गुड मॉर्निंग, नमस्ते। सबसे पहले आपका स्वागत है केदारनाथ केदार धाम में, आपका स्वागत है। सुबह के 10 बज रहे हैं, कुछ मौसम ऐसा है, देखो बादल लगे हुए चारों तरफ और बहुत सारे श्रद्धालु दर्शन करके आ रहे हैं जतन लग्जीरियस रूम केदारनाथ में। कैंप तो नहीं मिल पाया, 10 बजे मिला कल रात में हमें, कैंप फुल हो गए थे, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, तो इसलिए कोई अरेंजमेंट करने वाला एक भाई थे, उनकी है तो उन्होंने यहाँ पे हमें सुलाया, तो यहाँ पे सोए। तो बाकी भीड़ में भाई थोड़ी दिक्कत तो ज़रूर आती है, बाकी दर्शन करने हैं, स्नान कर रहे हैं सब लोग। देखो कांडे में जा रहे हैं, यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर केदारनाथ धाम है, जहाँ पर अभी हम लोग दर्शन करने जाएंगे। तो भाई मौसम ना फिर से हो गया है ठंडा, तो यहाँ तो कपड़े आपको हर दम चाहिए, चाहे धूप हो, ठंडा हो, कुछ भी हो। बाकी यहाँ पे ना कुछ स्टे के लिए ऐसे रहते हैं, जो ये देखिए टीन शेड बने हुए हैं। बाकी इधर पीछे पीछे ना बहुत सारे मतलब कैंपिंग टेंट्स वगैरह हैं, तो उनके लिए क्या होता है ना, जो वॉशरूम होते हैं भाई, पर्सनली हर एक टेंट के साथ वॉशरूम अटैच नहीं होगा, मतलब बहुत सारे टेंटों के साथ ऐसे वॉशरूम होंगे जो पब्लिक टॉयलेट्स होंगे, तो ऐसे वॉशरूम अवेलेबल होंगे यहाँ पे। पहले पुराना रास्ता उधर से हुआ करता था, अब जो है इधर से हुआ, तो काफ़ी कुछ चेंज करने में समय ही लग ही जाता है। तो इधर ऐसे तो दोस्तों फाइनली निकल चुके हैं अपने केदारनाथ महादेव जी के दर्शन करने के लिए, सुबह स्नान करके। अभी कुछ खाया नहीं है, सभी दोस्तों का फास्ट है, यहाँ पे देखो सभी तैयार हो चुके हैं, और कल अच्छा रेस्ट हुआ, रात में अच्छी नींद आई है, तो आज अच्छे दर्शन भी हो जाएंगे। चलो तो भाई जो यहाँ पे जो क्राउड है ना, ऐसा लगता है कि सारी दुनिया से सारे लोग पहुँचे हुए हैं, और रास्ते भर रात दिन 24 घंटे मतलब सड़क खाली नहीं है भाई, रात रात दो दो तीन तीन बजे तक भी जो है श्रद्धालु आ रहे हैं। देखो कैंप्स कुछ ऐसे रहते हैं, कैंप साइट कुछ ऐसे रहते हैं, और इनके प्राइसेस जो हैं फ्लक्चुएट होते रहते हैं दोस्तों, पर हेड पर पर्सन कभी कभी 1000, 1500, 2000 के आसपास भी पहुँच जाता है पीक क्राउड के हिसाब से। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बजट बना करके अच्छे से आना है, और शेयरिंग में भी होता है, ऐसा नहीं कि भाई तुम्हें एक अलग ही खुला टेंट मिल जाएगा 4 पर्सन वाला, तो 4 पर्सन वाला है तो 4 लोग रहेंगे तो कुछ इस तरीके से मिलेगा। मेरा तो दूसरी बार है केदारनाथ धाम यात्रा के लिए, बाकी इनका फर्स्ट टाइम है। कैसा लग रहा है यहाँ? बढ़िया मौसम है, एक्साइटमेंट है दर्शन करने के लिए, भोले बाबा। इच्छा पूरी होगी क्यों है? तिवारी भाई की बैटरी डाउन हो चुकी है, तिवारी भाई की सही में बैटरी डाउन हो चुकी है, कल ओले। तो भाई जो हेलीकॉप्टर सर्विस है, जो कि केदारनाथ धाम से लगभग 1.5 किलोमीटर पहले तक आपको छोड़ देगी, वहां से आपको पैदल रूट पकड़ना पड़ता है, और हेलीकॉप्टर दो जगह से रुकती है, दो प्लेस से आती है, फाटा हो गया और एक त्रिवेणीनारायण के रास्ते में वहां पे भी एक स्टे है जहां पे हेलीकॉप्टर जो है लैंड करता है, तो आप यहाँ से भी टिकट बुक करा सकते हैं ऑन द स्पॉट। तो भाई भक्ति का एक ऐसा भी रूप दिखता है, वो भाई पता नहीं कितने दूर से, कितने महीनों भर से यहाँ पे रास्ता नापते नापते आ रहे हैं बाबा जी के दर्शन करने के लिए। तो जी बाबा केदार के दर्शनों के लिए लगी होगी आज लाइन, तो लाइन में पता नहीं कितना टाइम लगना पड़ेगा, वो तो आगे जा कर के ही देखेंगे। बाकी यहाँ पे बड़ी बड़ी इमारतें होटल्स कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, धीरे धीरे बनेंगे, बाकी टेंट्स वगैरह कैंप्स वगैरह जो भी पॉलिसी प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट की, उस हिसाब से काम होगा। और मुझे लगता है कुछ अच्छाई भी ज़रूर होगी इसमें, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुरा ही बुरा होगा, अगर कुछ चीज़ें हो रही है तो सारे भक्तों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए इजी दर्शन के लिए कर रहे होंगे ये काम। बाकी भाई यहाँ आकर के एक इतनी ज़्यादा भीड़ भी हो ना, कुछ भी हो, पर यहाँ पे एक ऐसा वैराग और ध्यान की स्थिति वाली फीलिंग आती है, ऐसा लगता है कि यार ये भीड़ भाड़ कुछ नहीं है, क्योंकि भोलेनाथ जी का जो नेचर है, जो शिव तत्व है,
वो कुछ इसी प्रकार है कि भाई शांत स्वभाव या अति क्रोधित, तो उस हिसाब से मतलब यहाँ की जो वातावरण है, वायुमंडल है, सेम टू सेम है। जैसे बद्रीनाथ धाम में कम भीड़ हो कुछ हो, लेकिन कहते हैं माया नगरी है तो वहाँ पे काफ़ी हलचल चहल पहल महसूस होती है और रौनक शौनक बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों इस बार आप देख रहे हो मंदिर कुछ हमारे ही पीछे हैं जहाँ पे हम बाबा जी के दर्शन करने वाले हैं, लेकिन देखो लास्ट ईयर तक यहाँ पे पूरा खुला स्पेस रहता था। आसपास आप देखेंगे अलग अलग जो है दुकानें तोड़ दी गई हैं। इसका रीज़न क्या हो सकता है, इसलिए शायद हड़ताल और स्ट्राइक की गई थी। तो भाई फाइनली पहुंच चुके हैं मंदिर के पास, ये देखो जय भोले जय भोले जय भोले ओम नमः शिवाय। कितना प्यारा सजा हुआ है कली के दिन, कल पहला दिन था तो कल यहाँ पे डोली आ गई थी। अब हम जा रहे हैं दोस्तों, सबसे पहले ना वीडियो में फोकस नहीं है, फोटो में फोकस नहीं है, सबसे पहले है नंगे पैर जाना है, लाइन पे लगना है, इतनी भीड़ लगी हुई है, 1-2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जितना मर्जी लाइन पे लगना हो हम लगने के लिए तैयार हैं, वहीं पे जा रहे हैं। पहले भोले बाबा जी के दर्शन कर रहे हैं, तब जा करके आप लोगों को भी दिखाते हैं। बाकी मौसम कुछ ऐसा है भाई, देखो जय भोले। अंदर जाने के लिए इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, 4-4 लेन की लाइन, यहाँ से लाइन पता नहीं यार कहाँ से लाइने लगी हुई है, देखो जय हो भोले। तो दोस्तों फाइनली हम सब लोग आ गए हैं, देखो टीका लगा करके दर्शन करके 1 घंटे के लाइन पे लगने के बाद 1-1.5 घंटा तब जाके हम दर्शन कर पाए। अच्छा वो मौसम सही था, देखो बाबा जी के यहाँ पे दर्शन करके सभी के चेहरों में खुशी है, भावनाएं हैं। फर्स्ट टाइम है भाई आपका, मजा आया ना? अरे बहुत मजा आया, मतलब एक सपना रहता है यहाँ पे आने का हर किसी का। फर्स्ट टाइम आए हो, चलो खुश है भाई। भाई कल की थकान मिट गई, जो कल इतना बुरा हाल हो रहा था ना बारिश से, ठंडे से, ट्रैकिंग से, एकदम आप गर्म जगह से आ रहे हो ना, एकदम ठंडी जगह पे चलना, एकदम से 22 किलोमीटर ट्रैक करना बहुत समय बाद तो बड़ा मुश्किल होता है। बाकी यार केदारनाथ धाम की स्टोरी कुछ इस प्रकार है कि देखे वेद व्यास जी ने जो है 5 पांडवों को यहाँ पे भेजा था, क्योंकि भोलेनाथ जी थोड़ा जो है क्रोधित हो गए थे 5 पांडवों से, क्योंकि उन्होंने अपने जन जो अपने फैमिली आप समझ सकते हैं कौरव उनकी फैमिली से ही थे, तो उनको मारा था, लड़ाई किया था राजपाट के लिए, तो इसलिए जो है वेद व्यास जी ने भेजा था उनको भोलेनाथ जी को पाने के लिए। तो भोलेनाथ जी को पाने के लिए 5 पांडव आते गए, तो भोलेनाथ जी इधर से शिफ्ट होते गए गुप्त काश में गुप्त हुए थे, फिर यहाँ पर आए थे जो कि बैलों के रूप में झुंड में आए थे, जो कि भीम जी पहचान गए थे उनको, तो उन्होंने उनकी गर्दन पकड़ी, तो वो जो गर्दन का जो हिस्सा है जो यहाँ पे पत्थर बन चुका है, तो केदारनाथ धाम में इनके दर्शन होते हैं। बाकी जो पंच केदार हैं अलग अलग जो पार्ट्स हैं, मुख है, हाथ है, बाजू है, पेट है, वो अलग अलग पंच केदारों में स्थापित हो चुके हैं, तो ये पूरा करते हैं। तो कहा जाता है कि यहाँ पे सारे कष्टों का दूर निवारण होता है, सारे पाप दूर होते हैं, और यहाँ पे आकर के आपको ना मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा माना जाता है। मोक्ष की प्राप्ति मैं मानता हूँ दोस्तों तभी होगी जब आप श्रद्धा दिल और भाव से आते हो और अपने कर्म अच्छे करते हो, तभी आपको जो है भगवान जल्दी मोक्ष दे सकते हैं। कर्म अच्छे नहीं है, जितनी भक्ति कर लो वो फीकी चीज़ है, फीका पड़ेगा। इसलिए सद्भावनाएं और आपके अंदर की फीलिंग वही निर्धारित करती है कि आपको मोक्ष मिले ना मिले। बाकी यहाँ पे है भीमशिला, कहा जाता है 2013 में जब इतनी भयानक बाढ़ आई ना, जिस चीज़ का आप अभी तक साइन देख सकते हो, जो बादल फटी थी 2013 की लगातार बारिश से, तो यहाँ पे जो भीमशिला ये पत्थर खुद ही लुढ़क करके इस पोजीशन में आया, जिसने जो है डाइवर्ट कर दिया था सारे पानी को, जो इतना पानी आया था ताल से सरोवर से, इसे शिफ्ट करके मंदिर को बचाया था, तब से पूजा की जाती है। बहुत अच्छा मौसम है और यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर की दूर वासुकी ताल है, जहाँ पे आप वासुकी ताल, वासुकी नाग जो कि भोलेनाथ जी का एक गले में सर्प होता है उसी के आकार में एक ताल है, तो वहाँ पे 6 किलोमीटर के ट्रैक के लिए आप गाइड ले जाएं ज़्यादा बेटर है। चौराबाड़ी ताल जो 3 किलोमीटर है, मैं भी गया नहीं हूँ, तो वहाँ भी जा सकते हैं, टाइम नहीं है इसलिए हम जा नहीं पा रहे। बाकी यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य का इष्टम मूर्ति है, तो वहाँ पर भी दर्शन करने जाएँ, क्योंकि यार शंकराचार्य जी ने यहीं पर अपनी समाधि ली थी। तो भाई अभी सबसे पहले अभी हम जा रहे हैं मंदिर दर्शन करने के बाद, भीमशिला दर्शन के बाद यहाँ पे आदि गुरु शंकराचार्य का जो है स्मृति है, तो स्मृति के भी हम दर्शन करेंगे, जगत गुरु कहा जाते हैं वो। बाकी यहाँ पे ना आप एक चीज नोटिस करेंगे, सबने यहाँ पे जो पत्थर के ऊपर पत्थर रखे गए हैं, इनका करने का तरीका है किसी भी पवित्र स्थानों में अगर आप ये करते हैं, जो भी आपके मैसेज हैं आपके पूर्वजों पे वो डायरेक्टली थ्रू पहुँच जाते हैं इन पवित्र स्थानों में, तो इस तरीके से आप भी रख सकते हो एक के ऊपर पत्थर। देखो कितने सारे लोगों ने रखे हुए हैं,
पहुंच चुके हैं आदि गुरु शंकराचार्य के स्टैचू में। देखो पूरा गोल एक सर्कल बनाया हुआ है, डाउन 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 जाएंगे और यहाँ से हमें दर्शन मिल जाते हैं। देखिए कितने बड़े स्टैचू हैं, कुछ इस तरीके का रास्ता भी बड़ा प्यारा है भाई। देखो जय हो आदि गुरु शंकराचार्य, जय हो, इस तरीके से डिजाइन बनाए मैंने। तो जी देखिए कुछ इस तरीके से प्यारा से सजावट हो रखी है अपने केदार बाबा की, केदारनाथ धाम। देखिए कितना सुंदर लिखा हुआ है, फूल मालाओं से सुसज्जित जो मंदिर दरबार लग रहा है ना, कितना प्यारा लग रहा है इतनी भीड़ में। देखो मंदिर को बाकी बाबा जी के दर्शन तो हम करके आ गए। मंदिर के पीछे जो पहाड़ियां हैं बर्फ से ढकी हुई वो और भी खूबसूरत लग रही है, चारों तरफ बर्फ की पहाड़ियां, ऐसे लगता है कि पूरा कैलाश होगा। जय बोलो। दोस्तों मैं छोटी सी कुछ जानकारी केदारनाथ धाम के बारे में देना चाहता हूँ। देखो मंदिर और वहाँ की जानकारी और वहाँ की जितनी भी भावनाएं हैं वो अपनी जगह है, बट मैं बताना चाहता हूँ केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड राज्य की रुद्रप्रयाग जिले में स्थित रुद्र हिमालय श्रृंग में स्थित है। 3581 मीटर की ऊंचाई पर स्थित जो केदारनाथ धाम का मंदिर है, गौरीकुंड से लगभग 22 किलोमीटर की चढ़ाई जो कि मंदाकिनी नदी के साथ बहती है। ऋषिकेश से आप यहाँ की दूरी मान लीजिए 216 किलोमीटर। केदारनाथ जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, दुनिया के 275 सबसे पावरफुल या प्रभावशाली शिव मंदिरों में माना जाते हैं। केदार मतलब होता है खेत, नाथ का मतलब होता है भगवान, मतलब मुक्ति की फसल। आप यहाँ पे मुक्ति लेने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए भोले बाबा जी के आप दर्शन कर सकते हो। और कहा जाता है कि यहाँ पे जो कोटिंग भी अंदर दीवारों की मंदिर के अंदर वो किसी ने महाराष्ट्र से भेजी थी, जो भेंट करी थी, अर्पित करी थी, है ना। तो जो केदारनाथ धाम के मंदिर है, जो गर्भगृह है ना, वहाँ पे भोलेनाथ जी की जो प्रतिमा है वो एक शिवलिंग के प्रकार में नहीं, शिवलिंग के रूप में नहीं है, वहाँ पे यह त्रिकोणीय आकार का होता है जो कि मंदिर के गर्भगृह में स्थित है एक पत्थर के रूप में। यहाँ पूजा में घी जो है महत्वपूर्ण होता है, मान्यता यह है कि शिवलिंग पर घी को रगड़ना पवित्र धार्मिक अनुष्ठान है। मंदिर के अंदर जो सभा हॉल है इसमें भगवान कृष्ण, 5 पांडव, नंदी, वीरभद्र और द्रौपदी की मूर्ति होती है, साथ ही साथ अन्य देवी देवताओं की मूर्ति भी अंदर मंदिर के अंदर गर्भगृह में आपको मिल जाएगी। गर्भगृह के बाहर जो सभा हॉल होता है उसमें, बाकी जो छत आप देख रहे हैं, जो गुंबद आप देख रहे हैं, मंदिर की छत गुंबद जैसी संरचना होती है जिसमें पत्थर के ढांचे पर ओवरलैपिंग होती है। हम इसमें देवी देवताओं, जानवरों की सुंदर नक्काशियां देखते हैं। मंदिर के पास ही है ना, यहाँ से हटने की दिल की इच्छा ही नहीं हो रही है भाई। श्रद्धालु को देखने में आ रहे हैं, जो घंटियां बज रही है ना उनकी आवाज से तो पूरा गूंज रहा है, पूरा वातावरण खूबसूरत लग रहा है। बाकी तो सुसज्जित हो रखे थे ना, मतलब जो फूलों से वो भी और भी प्यारे लग रहे थे। देखो सुसज्जित फूलों से तो कुछ ऐसा है यहाँ की। देखो यहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ उमड़ी हुई है श्रद्धालुओं की, दूर दूर से, देश विदेश से, पूरे भारतवर्ष से इतने श्रद्धालु लोग आते हैं, तो भाई बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे दर्शन करना एक सौभाग्य की बात होती है, कहते हैं मोक्ष प्राप्ति होती है, सद्भावनाएं दिल की इच्छा से अगर आप आते हो तो जरूर आपकी इच्छाएं भी पूर्ण होती है। मेरे पीछे देखिए रॉबिन अभी ना फोटो खिंचा रहा है, यहाँ पे देखिए बिल्कुल पोज बना बना के फोटो खिंचा रहा है, बिल्कुल तगड़ी वाली। बाकी यार जो मंदिर है ना भाई, क्या ही बताएं, आप देख ही रहे होंगे किस प्रकार से सज रखा है फूलों से। जिन्होंने भी सजाया है ना उनके तो खैर भाग ही अच्छे होंगे,
मौका मिला जिनको इतने प्यारे जो है मंदिर को सजाने का, सजावट कार्य जो भी रहा होगा। बाकी पीछे आप पहाड़ियां देख सकते हो ना, इतनी खूबसूरती जो भी है, जो हिमालय श्रृंग है, केदार श्रृंग इसका नाम बोला जाता है, जो कि रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। तो अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ना दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं 3D आपको गूगल अर्थ से दिखाऊंगा ना, पहले कहते थे कि केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम की पूजा एक ही पुजारी एक ही दिन में कर देते थे। तो जो ये आपको पहाड़ियां दिख रही, उस साइड थोड़ा कैमरा घुमाइए, तो जिस साइड पहाड़ियां दिख रही ना, सीधा इसी के पीछे लगभग अगर डिस्प्लेसमेंट देखा जाए 30-40 किलोमीटर के डिस्प्लेसमेंट में बद्रीनाथ धाम स्थित है, जो कि मैं गूगल 3D अर्थ से आपको दिखाने वाला हूँ अभी हम कहाँ पे और बद्रीनाथ धाम कितने दूरी पर है। और यहीं पे एक ही लाइन पे पड़ता है गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम, तो चारों धाम एक ही लाइन में पड़ता है केदार भगवान से। और मेरी आस्था यही है दोस्तों, जितने भी मेरे YouTube फैमिली है, जितने भी श्रद्धालु भक्त हैं, जो भी वीडियो देख रहे हैं, नहीं भी देख रहे होंगे, मेरी बस यही है सद्भावनाएं दें, उनको भी बुलाएं, भगवान उनकी जो भी इच्छाएं हैं, मनो इच्छाएं हैं पूरी करें और उनको भी एक अच्छे राह में ले जाएं। जय बोले केदार, जय बम बम बोले। तो दोस्तों बहुत सारे मेरे YouTube फैमिली बोल रही है कि 15 मई तक स्ट्राइक है तो यात्रा बंद है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ मंदिर के आसपास जो कैंपिंग एरिया है उनका स्ट्राइक है, तो आपको कैंपिंग एरिया थोड़ा 1 किलोमीटर पहले ही ढूंढना पड़ेगा, वहां स्टे करना पड़ेगा। बाकी माहौल खुशनुमा है, प्यारा है, खूबसूरत है, दर्शन हो रहे हैं, प्रॉपर अच्छे से हो रहे हैं दर्शन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप प्यार से दर्शन कर सकते हो, भोले बाबा जी आपके साथ है, विश्वास से आइए, दिल से आइए, आपको जरूर भोले बाबा जी दर्शन देंगे और आपकी यात्रा सुगम और अच्छी रखने वाले हैं। बाकी मौसम देखे कितना प्यारा हो, इसके साथ क्या है कि दर्शन कर दिए है आदि गुरु शंकराचार्य भीमशिला। अब हमारा जो नेक्स्ट ब्लॉग होगा, नेक्स्ट पार्ट होगा, जिसमें आपको शाम की आरती दिखाने वाले हैं केदार भगवान की, केदारनाथ की, है ना, और साथ साथ अगले ब्लॉग में हम भैरव भगवान, भैरव देवता जी के भी दर्शन करेंगे, जो कि रक्षक माने जाते हैं केदारनाथ धाम के। तो भाई इसी खूबसूरत मौसम के साथ आज का ब्लॉग भी समाप्त करते हैं, बाद में जो भी रील्स वगैरह होंगी वो आपको दिखाएंगे। तो भाई भोले बाबा जी से आशीर्वाद है, आप भी आए, यात्रा करें, निश्चिंत करें, डरने वाली कोई बात नहीं है, बहुत ही अच्छे से और प्यार से दर्शन हो रहे। तो दोस्तों इसके साथ ब्लॉग को एंड करते हैं आज के, और मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, लव यू ऑल, बाय दोस्तों, जय श्री केदार।